प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और यदि शासन स्तर पर कोई प्रकरण लंबित हो तो अवगत कराएं ताकि उसका त्वरित निराकरण कराया जा सके। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने निर्देश दिए कि गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था शीघ्र कराई जाए, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के वी एन पांड्या ने बताया कि इस कार्य के लिए चयनित लगभग 42 एकड़ भूमि की उपलब्धता एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करा दी जाएगी। पर्यटन विकास की समीक्षा के दौरान गुरुद्वारा सूर्यकुंड धाम के सौंदर्यीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश मुख्य सचिव ने देते हुए बताया कि इस कार्य के लिए 95% धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि 31 मार्च तक संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाएंगे और इसका लोकार्पण भी शीघ्र ही प्रस्तावित है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि 15 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करने का समय निर्धारित किया गया है तथा पंचायत चुनाव के पश्चात इसका लोकार्पण भी प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रेक्षागृह की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि प्रेक्षागृह निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। विगत 21 मार्च को इसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। गोरखपुर में विद्युत सब स्टेशन निर्माण के संबंध में मंडलायुक्त ने बताया कि सिविल वर्क पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष धनराशि की मांग शासन स्तर से की गई है। 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि यदि शासन स्तर पर इन परियोजनाओं से संबंधित कोई मामला हो तो अवगत कराएं ताकि उसका निराकरण संबंधित विभाग द्वारा कराया जा सके। शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जानवर भी आ चुके हैं और इस सप्ताह में इसका लोकार्पण भी संभावित है। उन्होंने स्टाफ की आवश्यकता बताते हुए कहा कि तत्कालिक स्टाफ की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई है। महानगर के पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्य को प्रमुखता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश मुख्य सचिव ने GDA को दिया। सड़कों के निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लोक निर्माण विभाग को फर्टिलाइजर जाने वाली सड़क को 2 लेन से 4 लेन करने, गोरखपुर सोनौली मार्ग, गोरखपुर खजनी मार्ग आदि को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट के नए भवन के निर्माण के लिए शासन स्तर से शीघ्र ही धनराशि अवमुक्त की जाएगी। पर्यटन विकास के अंतर्गत राप्ती नदी से कालेसर बंधे के सौंदर्यीकरण तथा चिलुआ ताल के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में बताया कि यह दोनों नए काम हैं और इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही शासन स्तर से धनराशि अवमुक्त की जाएगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि नौसर से पैडलेगंज सड़क को 6 लेन तथा चौरी चौरा शहीद स्मारक के सड़क का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है, जिस पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, GDA उपाध्यक्ष आशीष कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उसमें मीटिंग में रहना चाहिए था उनको। उन्होंने डिमांड ऑलरेडी की हुई है इसकी, फिर ट्रांसफार्मर में तो पूरा एक बात आएगा, उसमें 50% ट्रांसफार्मर के लेने को मतलब नहीं है, ट्रांसफार्मर को लेना पड़ेगा ना। आप वो करिए इसको, ट्रांसफार्मर में थोड़ी आपको अकाउंट में नहीं मिल सकता। सड़कों का है सर, 15 सड़कें हैं जो सर 10 करोड़ से ऊपर की हैं सर। हाँ, सड़कों वाले में क्या प्रॉब्लम बताइए सर। इसमें कौन सा सीरियल नंबर सर? ये लोक निर्माण विभाग की दूसरी बुकलेट है, CA No. 1 सर, गोरखपुर महाराजगंज लिखनौर मार्ग। सीरियल नंबर ये सर लोक निर्माण विभाग की बुकलेट का 1 है सीरियल नंबर। बुकलेट कॉपी ने बनाई ना, कोई कुछ मांग क्या ये सर? वो अलग अलग बुकलेट है सर, रोड के लिए एक छोटी सी बुकलेट बनी हुई है सर, जो PWD का टोटल 15 काम का है सर, 17 काम। सर आप जो कमरिया घाट पढ़ रहे हैं सर, वो रोड से छोटे जिन लोगों के मुंह से नहीं आए उनके पहले दुआ करिए, ठीक है? मुंह से जो आप मुंह से नहीं आए दुआ करिए, ठीक है? मुंह से जो आए पहले हम लोग उनका कितना थे PWD में बताइए कौन सा काम आपको
सर 10 करोड़ के काम वाली 2 बुकलेट है सर, एक सड़कों को छोड़ के है और एक सड़कों की है सर, जो नहीं नहीं इसमें दोनों ही है भाई मेरी आपके बुकलेट में 10 करोड़ वाले पीलापुरी का शुरू में है उसमें कौन सा बताइए ऊपर वाली जो बुकलेट आपकी है सर उसमें कोई इशू तो बता दीजिए पीलापुरी का पहले उसमें लेटेस्ट कम टू देट जो बुकलेट मेरे सामने है उसी से रिव्यू करेंगे इफ यू हैव दैट बुकलेट टेल मी आपने बनाया के भेजी है 10 करोड़ से ऊपर वाली बुकलेट में इफ यू हैव एनी इशू अबाउट पीलापुरी प्लीज रेफर टू इट गिव इन द सीरियल नंबर कोई इशू टीम से बताइए इसमें पानी उद्यान में सर इसको 20 सारे आ गए सर सर स्टाफ कुछ आउटसोर्स में हम लेंगे सर एसी सर से बात होगी सर ताकि कितने दे रहे हैं उसके अलावा दूसरे किसे दे रहे हैं डेफिनेटली दिया हुआ है फिर आउटसोर्सिंग से ले रहे हैं ठीक है